नहीं कर पाए। एक बार मैं अब बात करना चाहूँगा सगड़ा साथियों ने मोकली मोकली बधाई, आप जी मेरे साथ जुड़ोड़ा हो, आप जी रो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करूँ हूँ। बात करने लाग रहे हाँ समाज री अर्थव्यवस्था ने मजबूत करण सारू आपा लोग के कर सका हाँ। प्रत्येक समाज रो व्यक्ति आज शिक्षित हो रहे, बहुत आगे बढ़ रहे। बाबा साहब राज का मूल मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। निश्चित आ बात जकी है मारे रघुवीर जी बड़े अच्छे तरीके आप लोगों ने बताई। पिछले दिन व्याख्यान सुनने रो मौको मिलियो, तो व्याख्यान सुन रहे जो आनंद री अनुभूति हुई है मैं बयान नहीं कर सकूं। साथियों अहियाँ ही जुड़े रहो, समाज में राजनीतिक हस्तक्षेप धीरे धीरे आगे बढ़ता चले जाओ। सा विधानसभा है चाहे राजस्थान री है चाहे लोकसभा री है, अपना प्रतिनिधित्व जरूर आवेला, क्योंकि जो आ मुहिम चल रही है समाज ने जागरूक करण री, समाज के अंदर नई ऊर्जा भरण रो मैं धन्यवाद देऊँ। हमारा नोरा बोरा ही जागरूक साथी मुकेश जी और व्यारी जकी पूरी टीम है, जका एडमिन पैनल है राकेश जी है, प्रदीप जी नायक साहब है, तो निश्चित रूप हूँ आरी जकी सोच है बाज काम कर रही है। मैं आप जी ने बताना चाहूँ अहियाँ ही केसरी सिंहपुर कस्बे का मायने है, जहाँ राजस्थान गंगानगर जिले रो एक छोटो सो कस्बो है केसरी सिंहपुर, बैठे मैं निवास करूँ और बैठे केसरी मीडिया कार्यक्रम रह सारूँ। अहियाँ ही लाइव कार्यक्रम मैं केसरी सिंहपुर में भी आयोजित करवाऊँ। निश्चित रूप हूँ हमारे लोगों ने आज एक धरात जब पिछले दिन जकी नागौर री घटना हुई या 20 साल पहला जोधपुर में घटना हुई, तो यह घटना अच्छी नहीं है। हमारा संगठित समाज रे कारण ही वहाँ लोगों ने आज जेल में जका आरोपी है बाना जेल की हवा खानी पड़ रही है, तो वह कारण के भी वो एक जागरूकता ही है। यदि मैं जागरूक नहीं होता, हमारा राकेश जी है या जकी की बैठे की टीम है, सीताराम जी है, नागौर की जकी टीम है, पूरी टीम, मैं एक को क्योंकि मैं गंगानगर में निवास करूं लगन जानू नहीं हूं, लेकिन फिर भी फेस हूं जरूर जानू कि ओ मारो भाई है, ओ मारो साथी है, जका आज जुझारू रूपू काम कर रहा है। निश्चित रूप से बाने साधुवाद है जका समाज के अंदर जद भी कोई घटना हो जावे, मार प्रेम जी भाई साहब फौजी साहब बांग उद्बोधन भी बड़ो अच्छो हो और समाज ने नई दिशा और दशा देवन सारू जका काम कर रहा हो, आप जीरो बहुत बहुत धन्यवाद। आधे घंटे रो लाइव कार्यक्रम छोटो सो, लेकिन ये छोटे से लाइव कार्यक्रम रे मायने हमारा जितना भी समाज साथी जुड़ है, एक ही विनती एक ही कि आप तो पढ़ो, अगर मैं नहीं पढ़ सके तो हमारा बच्चा ने शिक्षित कराऊँ, और शिक्षित करण सारूँ बांग मायने एक नया संस्कार पैदा होएला कि मैं जका काम हमारा पिताजी नहीं कर पाया, जका हमारा साथी नहीं कर पाया, मैं चाहवा कि वो काम मैं करा। काम करण री लगन होनी चाहिए, काम करण री क्षमता अपने आप पैदा होती चली जाएगी। आत्मविश्वास बनाए रखोगा तो निश्चित एक दिन ही सुहागो जग दिन मारो समाज भी एक नयो इतिहास लिख दे। वो बहुत अच्छा संदेश समाज के लिए मार्गदर्शन ही सही दिशा व दशा दे सकती है। राकेश चावरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जीरो, और राकेश नायक जी आदरणीय भाई साहब आपका कार्य वास्तव में काबिले तारीफ है, और व्यक्तित्व जी राकेश जी आप सबको प्रेम और प्यार है, सगड़ा साथियों रो स्नेह है जके बलबूते पर मैं भी आज आपके सागे जुड़ रहा हाँ। अगर समाज रोजगार की ओर अग्रसर होगा तो समाज की उन्नति का मार्ग पकड़ लेगा। कुलदीप जी थे बिल्कुल सही कह रिया हो, निश्चित रूप हूँ यदि मैं आर्थिक पक्ष मजबूत हाँ तो निश्चित रूप में अपने आप ही लोग अपने सागे जुड़ेगा। एक बात और बता दूं, यदि आप आर्थिक रूप में मजबूत हो तो लोग आपकन जरूर पहुंचेगा, अगर आप आर्थिक रूप में मजबूत नहीं हो तो आपकन कोई भी नहीं आवलो। दूसरी बात एक अपने बीच में आत्मविश्वास जरूर रखो, पेट में चाहे की गाल लिया कोई नहीं देखेला, लेकिन अच्छा ओड पैर निकलो 50 आदमी अगर बीच के मायने बात करोगा नहीं तो निश्चित रूप वो कहेगा कि भाई ओ जो कोई लड़को है या वो व्यक्ति है बहुत काबिले तारीफ है। आप अपनी पहचान खुद बना सको, क्योंकि भरोसा रहेगा तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगा। दुर्गा राम जी नायक हमारे साथ जुड़ है, और रिचपाल जी जय राकेश चावरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को जको आज हमारे साथ जुड़ रहे हो, और मैं धन्यवाद देऊँ हमारे मुकेश जीरो और नायक समाज एकता ग्रुप रे सब साथियों रहो जको मैंने आज इनवाइट करके आप लोगों रूबरू करवायो है। और मेरो प्रयास हो यो कि सगड़ा ही राजनीति की हरेक व्यक्ति जो है कि न कि मैं विद्वता हुए या कोई ना कोई अपनी एक विशेष पहचान रखा है जगह को प्रभु मार्गदर्शन कर सके। मैं चाहूँ मारा मुकेश जी साथी मारे साथ जुड़े है, तो वह वही निवेदन है कि जब भी साथी ने कोई लियाओ, समाज के अंदर घनी बुराइयाँ भी हो सके घनी कमियाँ भी हो सके, नहीं मैं चाहूँ
के समाज की अच्छाइयां हैं वे सामने आनी चाहिए। जी हाँ, रोहिताश पवार जी पिछले दिन एक नई यूट्यूब चैनल के माध्यम एक काम शुरू कर रखे है कि जका अच्छा लोग है, जका एक संघर्ष करके आगे आयोड़ा लोग है, वह लोगों की जीवनी बताई जावे। जी एक वो पद्मश्री मिल्यो है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वे नायक समाज का ऐसा हीरा है जका की जीवनियों की हमारे प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो साथियों, मैं भी चाहवा कि हमारा समाज भी दिनों दिन प्रगति करे, उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, और आगे बढ़न सारों मारों जो भी सहयोग बन पड़े। पिछले दिन हमारे साथियों जका व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है, गंगानगर जिले में एक साथी ने जरूरत पड़गी सहयोग की, तो हमारे सभी साथी मिलजुल के बिने आर्थिक सहयोग करके बिन स्कूल को एडमिशन दिलायो, और आज वो आगे बढ़ेगो तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल होगी। लेकिन सबसे पहली सहयोग बिंग होवे जको अपने आप ने साबित करे कि माने सहयोग की जरूरत है। लेकिन कई लोग जका बड़ा पढ़न भी जावे वे गलत संगता में पड़ जावे, जकर नुकसान समाज न हो कि फलाना समाज गएगा तो काम यही है। मैं आ बात नहीं कवानी है, मैं तो कवानी है कि मैं नायक हाँ तो नायक बन गए रहो। देखो मिलिट्री के अंदर भी नायक समाज नायक शब्द एक बहुत बड़ो ओहदो दिए गए है कि वो हमारा नायक है। फिल्मों के अंदर नायक है हीरो को प्रतिनिधित्व करे, सेना के अंदर नायक प्रतिनिधित्व करे, तो मतलब नायक बनने की क्षमता अपने आप में पैदा करो। और साथी के अंदर भी भाव ही होना चाहिए कि मैं अपने आप की काबिलियत का बलबूते पर आगे बढ़ा। मैं छोटो सा उदाहरण देना चाहूँ अपने ही, मेरे दादाजी अट केसरी सिंहपुर में जना आया, एक रेलवे स्टेशन का आगे झोंपड़ी के मायने रेवन लग गया। झोंपड़ी में रेवता थका, मैं रेलगाड़ी के अंदर जो माल आऊँ तो बिन उतारण को काम करता, चढ़ाण को काम करता, और धीरे धीरे भाई काम मारे पिताजी पकड़ियो। मारा पिताजी राजमिस्त्री बन गया, राजमिस्त्री बन गए बा छोटो मोटो आपको कार्यक्रम शुरू करियो और पहचान इतनी स्थापित कर ली कि बाने 1990 के अंदर पार्षद बनायो, 1993 के अंदर MLA को चुनाव लड़ायो, मात्र 2200 वोटों हार गया वे केसरी सिंहपुर विधानसभा। और बिंग बाद 2009 में वे बांगी मारू यात्रा माने बीच में मझदार में छोड़ के चले गया। लेकिन बांगो रुतबो इतो के केसरी सिंहपुर के क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के अंदर जिकी मृत्यु भोज है बंद कराण को काम बाँ उठायो बीड़ो, और ओडावनी प्रथा बंद कराण को बीड़ो बाँ उठायो। और वो मैं प्रयास करियो कि मारे पिताजी जब मारा पिताजी स्वर्गवासी होया तो सबसे पहला मैं घोषणा करी कि मारा उड़ावनी नहीं होगी, खर्च मैं नहीं करूँगा, और जठे भी मैं जान को प्रयास करूँ मेरे साथियों मिलूँ तो सब पहले वही चाहूँ कि भाई उड़ावनी नहीं हो, मृत्यु भोज नहीं हो, प्रयास करूँ वो परिवार अगर मान जावे तो सब बढ़िया। क्योंकि मैं बहस जितनी भी कराँगा तो वह यही चाहवे कि इन पता नहीं के लालच है के नहीं है, जरूर आक्षेप जरूर लागे, फिर भी मारो प्रयास रहे कि मैं ये बात नहीं कर पावा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जुड़ के बड़ो आनंद आयो कि मैं आज हमारे परिवार के बीच में बैठ गया आपकी बात।